हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप तिवारी पंकज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अवध कंप्यूटर ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम आपको नोटपैड के एडिट मेनू के बारे में बताएंगे, जिसमें आज हम अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, गो टू, सिलेक्ट ऑल, टाइम डेट, इन सभी टूल्स के बारे में जानेंगे और इनका प्रयोग करना भी सीखेंगे। दोस्तों, कल के ट्यूटोरियल में हमने आपको फाइल मेनू के बारे में बताया था, जिसमें हमने फाइल मेनू के अंतर्गत न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, पे सेटअप, प्रिंट और एग्जिट के बारे में बताया था। अगर आपको कल वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ऊपर लिंक में आपको वीडियो दिखाई देगी, उस पर आपको क्लिक करना है और वो आपका जो वीडियो है ओपन हो जाएगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मैं आपके लिए और भी नई नई वीडियो लेकर आता रहूं। तो चलिए दोस्तों, नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने का तरीका हमने आपको बता दिया है पहले से ही, आप किसी भी माध्यम से नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। चलिए, हमने टास्क बार में नोटपैड का आइकन पिन किया था और हम यहीं से नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। हम इस विंडो को अल्ट स्पेस एक्स से मैक्सिमाइज कर लेते हैं और अब हम एडिट मेनू पे क्लिक करते हैं। अगर हम एडिट मेनू पे क्लिक करें तो देखते हैं, सबसे पहले अंडू है, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, ये सारे ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। जबकि फाइल मेनू में अगर हम देखें तो न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, पे सेटअप, प्रिंट और एग्जिट है। तो चलिए, हम एडिट मेनू पे कार्य करने से पहले किसी एक फाइल को ओपन कर लेते हैं। जैसा कि हमने कल फाइल बना के सेव किया था तो उसी फाइल को हम ओपन कर लेते हैं। अब वो फाइल अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमको नहीं दिख रही है, हमने उसको कल डेस्कटॉप पे सेव किया था, तो हम डेस्कटॉप से उस फाइल को ओपन कर लेते हैं। अब ये हमारी फाइल ओपन हो चुकी है। यहाँ पे सबसे पहले आता है अंडू। अभी अगर आप देखें तो अंडू जो है हाईलाइट नहीं है और इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल जेड। अब अंडू देखिए, हम इतना जो है आप स्क्रीन पे देखिएगा, यहां पे हम इतना जो है इसको सेलेक्ट करके कर देते हैं डिलीट। हमने इसको सेलेक्ट करके कर दिया डिलीट। अब हम एडिट पे जाएं तो देखेंगे अंडू हमारा हाईलाइट है, और अगर हम अंडू करेंगे तो डू मतलब होता है करना, अंडू मतलब ना करो। तो हमने जो किया है डिलीट किया है, अब हम अंडू कर देंगे तो हमने जो डिलीट किया वो वापस आ जाएगा, यानी लास्ट एक्शन को ये रिपीट करेगा और एक बार पुनः एडिट करेंगे तो फिर ये गायब भी हो जाएगा। तो ये क्या करता है, लास्ट जो हमारी क्रिया होती है उसी को रिपीट करता रहता है बार बार। एडिट से क्या होता है, अंडू करते हैं हम, जो लास्ट किया होगा उसी को रिपीट करेगा, दोहराएगा। एक बार करेंगे इसको, हम कंट्रोल की के साथ जेड दबाने से भी कर सकते हैं। देखिए, एक बार करेंगे गायब होगा, दूसरी बार करेंगे तो आ जाएगा। आप इस तरह से कीबोर्ड से भी कर सकते हैं कंट्रोल जेड। तो ये हो गया हमारा अंडू। अब हम चलिए जानते हैं कट क्या है और कॉपी क्या है। कट से क्या होता है, जब हम कोई चीज सेलेक्ट करके कट करेंगे तो वो चीज वहां से हट जाएगी। जैसे कि आप ऊपर देखें स्क्रीन पे तो यहां पे सबसे पहले लिखा है कंप्यूटर, हम क्या करेंगे इस कंप्यूटर को सेलेक्ट कर लेंगे। इस कंप्यूटर को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने का तरीका है कि आप कर्जर को यहां पे रखिए और फिर उसके बाद माउस का बटन जो है लेफ्ट बटन दबा लीजिए और फिर इधर को आप खींचिए, आपका जो वर्ड है वो सेलेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका भी है कि आप कर्जर को यहां पे रखिए और शिफ्ट की दबा लीजिए कीबोर्ड से, उसके बाद एरो की दबाइए, तो लेफ्ट एरो दबाएंगे तो जितनी बार आप दबाएंगे उतना वर्ड आपका सेलेक्ट होता जाएगा। आपको बैक करना है तो आप राइट एरो दबाइए और वहां से बैक हो जाएगा। अब अगर हम राइट दबाएं तो इधर को सिलेक्शन होता जाएगा। तो आप कीबोर्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो ये हो गया सिलेक्शन। अब हमने आपको बताया कि हमको क्या करना है, कंप्यूटर को सिलेक्ट कर लेना है और इसको हम क्या करेंगे, कट करेंगे। कट हम यहां से भी कर सकते हैं। सिलेक्शन देखिए, अभी अगर हम सिलेक्ट ना हो तो देखेंगे ये हमारा जो कट है ये हाईलाइट नहीं है, हम भले ही क्लिक करें कुछ नहीं होगा।
और अगर हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये हाईलाइट हो जाता है। अब हमको क्या करना है, एडिट पे क्लिक करके कट पे क्लिक कर लेना है। और अब आप देखें तो यहां से कट गायब हो चुका है, यानी कंप्यूटर आपका गायब हो चुका है। अब इसको जहां पे आप रखना चाहें वहां पे क्लिक करिए और पेस्ट कर दीजिए। इसे मान लीजिए हम यहाँ पे या हम यहाँ पे इसको पेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे हम चाहते हैं कंप्यूटर जो वहां से हम हटाए हैं यहाँ पे चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे फिर पेस्ट पे क्लिक कर देंगे, वो कंप्यूटर वहां से हटके यहाँ पे आ चुका है। अब हम इसी को कीबोर्ड से करेंगे। हम देखिए हम माउस अपना यहाँ पे कर लेते हैं, आप स्क्रीन पे देखिएगा हमारा माउस यहाँ पे है, हम सिलेक्शन करेंगे। अच्छा, हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, हमारा कर्सर इस समय यहाँ पे अगर देखें कन्वर्ट के पास ब्लिंक कर रहा है। और अब हमें कंप्यूटर को नीचे सबसे सेलेक्ट करना है, हम क्या करेंगे डाउन एरो की दबाएंगे कीबोर्ड से, और हमको जो है मान लीजिए इधर हमारा कर्सर है और इधर से हम क्या करेंगे शिफ्ट की दबाएंगे और इधर लेफ्ट की हम दबा के इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम कंट्रोल के साथ एक्स दबाएंगे तो ये हमारा फिर से कट हो जाएगा। अब हमको ऊपर ले जाना है, हम माउस नहीं छुएंगे, हम ऊपर जाना है तो हम अप एरो दबाएंगे और ऊपर पहुंचेंगे। सबसे हमारा कर्सर ऊपर पहुंच चुका है, अब हम कंट्रोल के साथ वी दबाएंगे, क्या दबाएंगे वी, सेकेंड वी दबाएंगे तो ये हमारा जो है पेस्ट हो जाएगा। अब आप देखें तो हमारा कट जो हमने किया वहां पे वो हमारा यहाँ पे आ चुका है कंप्यूटर। अच्छा, इसकी जरूरत कब पड़ती है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम लिखते लिखते कहीं दूसरी जगह का दूसरी जगह लिख देते हैं, तो ऐसी स्थिति में जब आपको लगता है कि हमारा ये वहां होना चाहिए और वो यहाँ होना चाहिए, तो आप उसको सेलेक्ट करके कट कर सकते हैं और दूसरे जगह पे जहां पे ले जाना है वहां पे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कट कमांड। अब हम आगे चलते हैं और जानते हैं कॉपी कमांड क्या है। कॉपी का जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल सी है, कट का शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स है और अंडू का शॉर्टकट की कंट्रोल जेड है। तो कॉपी करने के लिए भी सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि हम यहां पे कुछ लिख लेते हैं, जैसा कि हमने यहां पे लिखा है व्हिच डिवाइसेस आर यूज्ड टू शो द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। अब हमको क्या करना है, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे पूरा और हम करेंगे कंट्रोल सी। यहां पे अगर आप देखें तो एडिट में कॉपी का जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल सी, हम यहां क्लिक करके भी कर सकते हैं और यहां से शॉर्टकट की के द्वारा भी कर सकते हैं। तो अब ये हो गया कॉपी, अब हम दोबारा स्पेस देकर थोड़ा सा करेंगे पेस्ट, तो ये देखिए लाइन पुनः आ गई है, हम पुनः करेंगे पेस्ट। तो इस तरह से आप देखें तो कंट्रोल वी करके हम पेस्ट करते जाएंगे। तो ये हो गया हमारा एडिट में कट कमांड, कॉपी कमांड, पेस्ट कमांड। आपको पता हो गया होगा कि जब हम कोई चीज कट या कॉपी करते हैं तो उसको किसी जगह पर रखने के लिए पेस्ट कमांड का प्रयोग करते हैं। आगे हमारा है डिलीट। डिलीट क्या है, बिल्कुल सिंपल है, आप कोई चीज सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद क्या करिए डिलीट पे क्लिक कर दीजिए, वो चीज आपकी डिलीट हो जाएगी। तो दोस्तों अगला जो ऑप्शन है हमारा वो है सर्च विथ विंग, और इस ऑप्शन के द्वारा आप इंटरनेट पे बिंग सर्च इंजन के द्वारा कोई चीज सर्च करना चाहें तो सर्च कर सकते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो इसमें हमारा ब्राउजर ओपन होगा और वहां पे बिंग सर्च इंजन ओपन होके आएगा, और यहाँ पे आप कोई चीज लिखकर सर्च करना चाहें तो आप सर्च कर सकते हैं। दोस्तों अब हम अगले टूल्स पे चलते हैं और जानते हैं फाइंड के बारे में। फाइंड के बारे में हमको जानने के लिए सबसे पहले इसमें हम कोई वर्ड लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है दैट, हमने पहले ही लिख दिया है, और इसमें और कोई वर्ड लिख देते हैं बीच में, यहाँ पे हम लिख देते हैं डियर। अब इसमें हम ढूंढेंगे, एडिट में जाएंगे और फाइंड पे क्लिक करेंगे, फाइंड का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसको हम कंट्रोल एफ के साथ भी खोल सकते हैं। अब यहाँ पे हम डियर ढूंढेंगे TH ER E, और ये देखिए अगर आप देखें तो यहाँ पे डियर आपको हाईलाइट करके दिखा रहा है। ऐसे ही हमको देखना है दैट कहाँ लिखा है, तो हम इसमें लिख देंगे, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि दैट आपको दिखाई दे रहा है ऊपर।
इस तरह से आप कोई चीज ढूंढना चाहें जो आपके डॉक्यूमेंट में लिखा है, तो आप फाइंड कमांड के द्वारा उसको ढूंढ सकते हैं। आपको क्या करना है, फाइंड व्हाट में वो शब्द लिखना है, वो अक्षर लिखना है जो ढूंढना है, फिर फाइंड नेक्स्ट करना है, तो आपको मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट में एक ही है, फिर अगली बार जब हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो वो दिखाएगा कैन नॉट फाइंड, क्योंकि एक ही बार दैट लिखा था। इसी तरह हम दैट के बजाय डियर्स को सर्च करते हैं, लेकिन एक चीज यहाँ पे और ध्यान देना है कि अभी हमारा जो सर्च है वो ऊपर की ओर जा रहा है, हमको नीचे जाना है, क्योंकि डियर ऊपर नहीं है। अभी हम करेंगे तो कैन नॉट फाइंड ही दिखाएगा, तो हम क्या कर देंगे, डाउन कर देंगे और ऊपर से नीचे की ओर ढूंढेंगे, तो हमको दिखाई देगा डियर। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, हम फाइंड ये देखें तो हमें डियर दिखाई दे रहा है। हम कर्सर अपना ऊपर कर दें और इस बार हम डाउन करके सर्च करेंगे तो हमको दिखाई देगा, और अगर हम नीचे कर दें और फिर हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि नीचे तो है नहीं। फिर हम अप करेंगे, क्योंकि हमारा कर्सर नीचे है, ऊपर की जब और सर्च करेगा तो हमको दिखाई देगा। तो इस तरह से आप फाइंड विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं फाइंड नेक्स्ट। तो जैसे मान लीजिए एक ही शब्द दो जगह लिखा है, तो फाइंड नेक्स्ट से हम ढूंढ सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे डियर लिख देते हैं, यहाँ भी लिख देते हैं, और ऊपर भी हम कहीं और दैट भी लिख देते हैं। अब हम चलते हैं एडिट पे, फाइंड पे चलते हैं, तो फाइंड में ही फाइंड नेक्स्ट अगर आप देखें तो है, यहीं पे आपको फाइंड नेक्स्ट दिख रहा है। हम डियर को सर्च करते हैं, ऊपर की ओर है नहीं, हम डाउन करके देखते हैं, एक डियर यहाँ पे और एक डियर यहाँ पे। तो इस तरह से फाइंड नेक्स्ट करके आप अगला ढूंढ सकते हैं। ऐसे हम दैट को भी देखते हैं, THAT, और हम करेंगे ऊपर की ओर और फाइंड नेक्स्ट करेंगे, तो एक ये और एक हमारा ऊपर ये हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला जो हमारा टूल है वो है रिप्लेस। रिप्लेस से आप क्या करेंगे, मान लीजिए किसी शब्द के जगह पे कोई दूसरा शब्द लिखना है, कोई शब्द है, या ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है कि कोई स्पेलिंग हम नहीं जानते हैं और वो स्पेलिंग हम मिस्टेक कर देते हैं, और ऐसा भी होता है कि वो स्पेलिंग कई जगह आपके डॉक्यूमेंट में प्रयोग होती है। तो अगर उस स्पेलिंग को सही करना हो, आपको बाद में पता चलता है कि ये स्पेलिंग तो गलत है, ये स्पेलिंग होना चाहिए, तो वैसे क्या होगा, मैनुअली आप एक बार पढ़ेंगे, फिर उसको सही करेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे, फिर सही करेंगे, बहुत समय लगेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई शब्द उसमें छूट भी जाए। तो इसके लिए आपके पास कमांड है रिप्लेस। जैसे हम चाहते हैं जहां जहां दैट है वहां पे हो जाए दिस, हमें लगता है कि गलत है, तो हम यहाँ पे कर देंगे दिस, सॉरी पहले तो हमको फाइंड व्हाट में वही शब्द लिखना है जो ऊपर लिखा होगा, तो यहाँ पे हमको दैट ढूंढना है और उसके जगह पे कर देना है दिस, और हम इसको पहले फाइंड करेंगे, तो यहां पे इसने ढूंढा कि ये दैट है, अब इसको हम क्या कर देंगे रिप्लेस, तो आप देखें यहां पे रिप्लेस हो चुका है। अगर हम रिप्लेस आल करेंगे तो एक साथ में हो जाएगा, हम रिप्लेस आल कर देते हैं तो ये ऊपर वाला जो दैट था वो भी हो जाएगा। अब ऐसे ही हम देखते हैं कि दियर के जगह पे हम कर देंगे दोज, डियर की जगह पे हम डियर की जगह पे चलो कर देते हैं दोज, कोई भी स्पेलिंग हम लिख सकते हैं उसके जगह पे, और हम करेंगे फाइंड, तो यहां पे अगर आप देखें तो डियर दिख रहा है और आप कर देंगे रिप्लेस, फिर नीचे आपको एक बार और दिख रहा है, इसको भी आप कर देंगे रिप्लेस, और इसके आगे को कोई है नहीं, अब आप देखें तो यहाँ पे दोज हो चुका है। तो इस तरह से आप रिप्लेस कमांड का प्रयोग करके किसी चीज को, किसी शब्द को बदल सकते हैं, यानी उसके स्थान पर दूसरा शब्द कर सकते हैं। पहले उसको आपको फाइंड व्हाट में उस शब्द को लिखना है जो पहले से लिखा है, और रिप्लेस विथ में उस टेक्स्ट को लिखना है जो उसके जगह पे आप करना चाहते हैं। इसके बाद हमारा अगला आता है गो टू। गो टू अभी आपको हाईलाइट नहीं दिख रहा है, इसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको ये वर्ड रैप हटाना होगा और फिर हमारा गो टू ऑप्शन हाईलाइट होगा। यहाँ पे देखिए गो टू पे क्या है कि आप जैसे मान लीजिए 100 लाइन 150 लाइन लिखे हैं और किसी एक लाइन पे जाना है, तो आप गो टू कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे चाहते हैं हमारा, देखिए कर्जर अभी जो है हम कैंसिल कर देते हैं और हमारा कर्जर है
यहां पे, या हम जो है एंटर करके आप यहां पे देख रहे होंगे। अब हमको क्या करना है, एडिट पे जाना है और गो टू पे क्लिक करके हमको किस लाइन पे जाना है, देखिए अभी हमारा जो कर्सर है 16 नंबर लाइन पे है, हम इसको कर देते हैं 5 पे। गो टू करेंगे, अब हमारा जो कर्सर है वो 5वीं नंबर लाइन पे है। इस तरह से हम एडिट पे पुनः जाएंगे और करेंगे गो टू, और यहां पे हम कर देंगे 10। गो टू करेंगे तो हमारा जो कर्सर है वो अगर आप देखें तो 10वें नंबर लाइन पे पहुंच चुका है। अगला जो कमांड हमारा है वो है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल से क्या होगा, सारा का सारा सेलेक्ट हो जाएगा, जो आपने लिखा है वो सबका सब सेलेक्ट हो जाएगा। और यही चीज आप चाहें तो कीबोर्ड से कंट्रोल ए दबा करके भी कर सकते हैं, कंट्रोल ए से भी आपका पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। टाइम डेट, आप अपने डॉक्यूमेंट में अगर कहीं पे टाइम और डेट भी इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एडिट में जाइए, टाइम डेट पे क्लिक करिए, आपका जो टाइम है सिस्टम का और जो डेट है करेंटली वो डेट और टाइम इंसर्ट हो जाएगा। आप जहां भी आपका कर्सर होगा वहीं पे आपका डेट और टाइम इंसर्ट हो जाएगा। इसके लिए शॉर्टकट की भी है, अगर आप देखें तो यहाँ पे डेट और टाइम का शॉर्टकट की फंक्शन की F5 है, और हम जो है F5 प्रेस करके देखते हैं तो ये अगर आप देखें तो हमारा जो डेट एंड टाइम है वो कीबोर्ड के द्वारा भी आ चुका है। फंक्शन की F5 प्रेस करने से डेट और टाइम आ जाता है। तो दोस्तों आज के इस ट्यूटोरियल में हमने आपको एडिट मेनू के बारे में विस्तार से बताया है। अगर आपको इसमें अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपका पूर्ण सहयोग करेंगे, आपको और भी अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, हमारा ये चैप्टर अगर आपको समझ में आया हो तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।